मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, कल करीब 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के अधिकारी रहेंगे मौजूद। तीनों जिले के महत्वाकांक्षी योजनाओं पर होगी समीक्षा बैठक। सपा कार्यालय में 12:30 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। वरिष्ठ नेता पदाधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। आज नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेरने की तैयारी में। कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा के लिए करेंगे कूच। बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल आज जाएगा हाथरस। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज जाएंगे हाथरस। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद। हाथरस हादसे के बाद लिया गया बड़ा फैसला। बोले श्रद्धालु रास्ते में दर्शन के लिए खड़े ना हो। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश से 5 डिग्री सेल्सियस पारा भी गिरा। अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना। राम मंदिर के लिए नियुक्त 20 पुजारियों का दीक्षांत। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 25 पुजारियों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई। सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर हुई सुनवाई। वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पक्ष रखा। 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग की। गाजीपुर MPMLA कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सिखाया सबक। ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाने वालों की ली गई क्लास। डग्गामार वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल सिखाए। 3 घंटे तक ई रिक्शा ऑटो चालकों को खड़ा किया। नियम सिखाने के बाद उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश की बात कही। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश। सभी स्कूलों में छुट्टी। BSA ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया। देश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।